ऐसा है कि 10 वर्ष कांग्रेस शासन में रही है, उनके शासन में बराक ओबामा भी आए, उनके शासन में बाद में जॉर्ज बुश भी आए, कभी आज तक मनमोहन सिंह ने पूछा था क्या? तो क्या पूछना है नहीं पूछना है ये कांग्रेस से पूछ के प्रधानमंत्री जी तय करेंगे। कांग्रेस को बोलिए अपनी सलाह अपने पास रखने, अपने 10 वर्ष की नाकामियों का ठिकरा प्रधानमंत्री जी पे फोड़ने की जरूरत नहीं है। उनके कमियों के कारण आज ये सब हो रहा है। अगर उसी वक्त हम डटे रहते तो आज ये नौबत ही नहीं आती जिसका वो सवाल पूछने बोल रहे हैं। देखिए अब इन लोगों को समझना पड़ेगा कि आप विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं तब समर्थन में प्रदर्शन होंगे। ये जब होना शुरू हो गया है तो इसका जिम्मेदार कौन है? तो ये व्यर्थ का प्रदर्शन करना छोड़ें। सीए कानून बन चुका है, उसका सम्मान करें, पार्लियामेंट का सम्मान करें। संविधान चिल्लाने वाले लोग संविधान का अपमान कर रहे हैं और देश में एक अव्यवस्था करवाना चाहते हैं, और ये साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। देखिए इस तरह के भड़काऊ बयानों का कोई मतलब नहीं होता है। शाहीनबाग एक प्रयोग तो था, लेकिन ये हमारा दायित्व तो है कि इस प्रयोग को हम विफल कर दें। इस तरह से भड़काऊ बोल के ये प्रयोग सफल ही करवा देंगे ना हम लोग, तो हम प्रयोग सफल कभी नहीं होने देंगे, ना ही प्रधानमंत्री जी ये प्रयोग सफल होने देंगे। योगी जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि हमारी पीढ़ी एक ऐसी सौभाग्यशाली पीढ़ी है जो आंदोलन में जिन्होंने भाग लिया, राम जन्मभूमि को कोर्ट के फैसले को देखा और अब भव्य राम का मंदिर भी देखेंगे, तो हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन हो सकता है? सारे भारतवासी, इस पीढ़ी के भारतवासी सारे सौभाग्यशाली हैं। अब कांग्रेस को जो भी नेतृत्व के मुद्दे का हल करना चाहिए वो कांग्रेस का मुद्दा है, लेकिन कांग्रेस एक बात समझ ले कि राहुल गांधी की जगह अगर थरूर को बना दिया ना तो जो हो रहा सहा है वो खत्म हो जाएगा।